के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखीमपुर जाने के लिए अखिलेश यादव निकल चुके हैं, उनको पुलिस ने रोका है। गाड़ी से नीचे उतर रोड पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। लखीमपुर खीरी जाने पर अखिलेश यादव अड़े हैं, किसानों को 2 करोड़ मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें, अखिलेश यादव के घर के बाहर गौतमपल्ली थाने की जीप को आग भी लगाई गई। अखिलेश यादव का आरोप है, पुलिस ने खुद अपनी गाड़ी में आग लगाई। किसानों को 2 करोड़ मुआवजा दिया जाए, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर गौतमपल्ली थाने में आपको बता दें आग भी लगाई गई। अखिलेश यादव का यह आरोप, पुलिस ने खुद गाड़ी में आग लगाई है। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर जाने के लिए निकले अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका है। गाड़ी से नीचे उतर अखिलेश यादव धरने पर बैठे। लखीमपुर खीरी जाने पर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को 2 करोड़ मुआवजा भी दिया जाए। अखिलेश यादव के घर के बाहर गौतमपल्ली थाने की जीप को आग लगाई गई। अखिलेश यादव का आरोप, पुलिस ने खुद अपनी गाड़ी में आग लगाई है। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर जाने के लिए निकले अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका है। गाड़ी से नीचे उतर कर अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका। आपको बता दें, लखीमपुर जा रहे थे अखिलेश यादव, वहां पर पुलिस ने उनको रोका और अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। लखीमपुर खीरी जाने पर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका, जिसके बाद से वो धरने पर बैठे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस हिसाब से प्रदर्शन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जाने पर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से पुलिस ने रोका है, जिसकी वजह से वो धरने पर बैठे हैं। लखीमपुर खीरी जाने का आपको बता दें, अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका, जिसकी वजह से जो अखिलेश यादव हैं वो धरने पर बैठे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए, लखीमपुर खीरी के लिए अखिलेश यादव जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, अब वो धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आयुषी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव आज अपने घर से बाहर निकले थे लखीमपुर जाने के लिए, लेकिन भारी पुलिस बल को तैनात करके उन्हें वहां पर रोक दिया गया। हालांकि सैकड़ों और हजारों की तादाद में अखिलेश यादव के समर्थक है, वो पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वही उसी क्रम में जो पुलिस की जीप है उस पर फूंक दिया गया है। हालांकि अभी जानकारी वो सामने आ पा रही है कि अखिलेश यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें इंटर गार्डन ले जाया जा रहा है। वही आईसी बता दें कि जो अलग अलग जो है वो भी अब कहीं ना कहीं रुक कर रहे हैं लखीमपुर जाने के लिए। अभी एक खबर आ रही सूत्रों का हवाले से कि शिवपाल यादव अपने आवास से अपनी दीवार फोड़ कर गुप्त तरह से लखीमपुर में निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव की कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि तमाम बड़े नेता वो कहीं ना कहीं लखीमपुर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ कमेटी पर कैसे कर दिया गया और किसी को भी लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जो एशिया थे अभी तो अच्छी है, उन्होंने भी साफ तौर पर नेता जारी कर दिया और किसी को वहां जाने की अनुमति न देने के लिए साफ तौर पर बात कही है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का जो रुख है किस तरीके का होता है, क्या उनको ना जानते अगर लखीमपुर नहीं जा पाते तो उसके बाद क्या आगे की रूपरेखा होगी, क्या रणनीति रहेगी अखिलेश यादव की, वो कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है। विषय लेकिन यह जरूर है कि शिवपाल यादव के हजारों की तादाद में तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और लखीमपुर जाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर सामने आ पा रही है तो खबर यह है कि अखिलेश यादव जी। शुक्रिया अनिकेत, तमाम जानकारी साझा करने